मोदी सरकार अन्नदाता हाथमुठा होगी अधिक मजबूत। छह वर्ष में ओडिशा चाषी को 60836 कोटी देखते मोदी सरकार। ओडिशा चाषी को मोदी सरकार को सहायता नहीं केन्द्र मंत्री ट्वीट। ओडिशा चाषी 53,680.25 कोटी धान किणी मोदी सरकार। धानर एमएसपी क्विंटल प्रति 1360 टंका वृद्धि पाए 1868 टंका होछि। 2018-19 चाषी को सीधा सड़क बैंक खाता को 2731.87 कोटी टंका प्रदान। 2016-17 ठारु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन ओडिशार 20.94 लक्ष चाषी को 4,424.85 कोटी टंका दि जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजन राज्यर समस्त योग्य क्षुद्र और मध्यम चाषी उपकृत। पूर्व सरकार तुलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार अन्नदाता हाथमुठा को अधिक मजबूत कर छह वर्ष में ओडिशार चाषी को विभिन्न कृषि योजना तथा डीबीटी जरिया अर्थराशि प्राप्ति पारिश्रमिक मूल्य प्रदान फसल बीमा जरिया मोट 60836.97 कोटी टंका अर्थ दि जाएगी। ट्वीट कर केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में भारत सरकार ओडिशा समेत समग्र भारतवर्षर चाषी को सशक्त करने ऐतिहासिक और जुगांतकारी पदक्षेप नहीं आम चाषी मानी चाषर संभाव्य व्यवहार को बढ़ावा सह से आत्मनिर्भर करने पदक्षेप नि मोदी सरकार 2014-15 रु 2019-20 मध्य ओडिशा चाषी एमएसपी मूल्य बाबदे धान किणी बैंक खाता को सीधा सड़ख 53,680.25 कोटी टंका प्रदान कर गत छह वर्ष मध्य एमएसपी द्रुत वृद्धि चाषी अधिक लाभ दी। वर्ष 2013-14 धानर एमएसपी मूल्य 1310 टंका थिबा बेले वर्ष 2014-15 1360 टंका वर्ष 2015-16 1410 टंका वर्ष 2016-17 1470 टंका वर्ष 2017-18 1550 टंका वर्ष 2018-19 1750 टंका और वर्ष 2019-20 1815 टंका एवं वर्ष 2020-21 धानर एमएसपी मूल्य 1868 टंका को वृद्धि होछि। चलित आर्थिक वर्ष नवेम्बर शेष सुधा प्रधानमंत्री किसान योजन राज्यर समस्त योग्य क्षुद्र और मध्यम चाषी उपकृत होती फसल करने अतिरिक्त सहयोग एवं परिवार भरण पोषण 2018-19 चाषी सीधा सड़क बैंक खाता को 2731.87 कोटी टंका प्रदान कर वर्ष 2018-19 यथाक्रमे 194.75 कोटी वर्ष 2019-20 1686.58 कोटी और वर्ष 2020-21 नवेम्बर शेष सुधा 850.35 कोटी टंका समस्त योग्य चाषी बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर 2017-18 ठारु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधीन ओडिशार 20.94 लक्ष चाषी को मोट 4,424.85 कोटी टंका दि जाएगी। मोदी सरकार आम अर्थनीतिर मेरुदंड को सुदृढ़ करने और ओडिशा समेत समग्र देश चाषी कल्याण संकल्पबद्ध केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।